पूरा गांव एक ट्रेन में, विलेज ट्रेन हाउस सिटी। बिराजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग पुरानी तरह से ही जिंदगी गुजार रहे थे। साइकिल के अलावा किसी और वाहन के बारे में वे जानते भी नहीं थे। ऐसे में जित्तू नाम का व्यक्ति उस गांव में कार में आया। उस कार को लोग हैरान होकर देखने लगे। गांव के सरपंच से जित्तू, दोस्तों मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के सारे काम करता हूं। आपका ये गांव 3 राज्यों के सीमाओं पर है। आप लोग होशियार नहीं हो, इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि इस गांव को रेलवे वालों को दे दें। अगर आप लोग अपनी जमीन सरकार को दे दें तो हम यहां पर रेल की पटरी बिछाकर ट्रेन के आने जाने का इंतजाम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार हर्जाना देगा। अगर आप लोगों ने आनाकानी की तो ये जमीन सरकार आपसे छीन भी सकती है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब एक गांव वाला बद्री, हाँ भैया आप जो कह रहे हैं ये बात मैंने भी सुनी है, पर भैया एक बात है, अगर हमने अपनी अपनी जमीन आपको दे दी तो हमारे संपत्ति के 70% संपत्ति एकदम खत्म हो जाएगी और हमें तो अपने घरों से भी हाथ धोना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे भैया। तब जित्तू, देखिए आप लोग टेंशन ना लें, कल जो प्राइवेट रेलगाड़ी आएगी उसे मैं ही चलाऊंगा। अगर आप लोगों ने अपनी जमीन दी तो मैं इस गांव को एक जंक्शन बनाऊंगा और गांव का कायाकल्प हो जाएगा। और हाँ, यहाँ दुकानें खोलने के लिए आपको मैं परमिशन भी दिलाऊंगा। मैं आप सबकी जिंदगी बदल डालूंगा। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा सारी गाड़ियाँ यहीं रुकें और आप लोगों के लिए घर भी बना कर दूंगा। यूं कहते ही सब गांव वालों ने खुशी से ताली बजाई। फिर उसकी बात मानकर सब गांव वालों ने अपनी अपनी जमीन उसे दे दी। फिर जित्तू ने सारे गांव के घर को तोड़ डाले और फिर वहां रेल की पटरी बिछाने लगा। फिर कुछ ही दिनों में रेलगाड़ियां उस पटरी पर चलने लगी। लेकिन इतने दिन बीतने पर भी जित्तू ने ना ही गांव वालों के लिए घर बना कर दिया, ना ही उनके जमीन के बदले पैसे दिए। तब सब गांव वाले मिलकर जित्तू के दफ्तर गए। वहां शोभा नाम की औरत जित्तू से, क्यों रे चुचुंदर, तूने हमसे क्या कहा था और अब तू कर क्या रहा है? चुपचाप हमें हर जाना दो और घर बना कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब जित्तू, मैं ये नहीं जानता कि मैं चुचुंदर हूँ या नहीं, लेकिन आप सब बड़े मूर्ख हो। आप सब ने डॉक्यूमेंट्स में दस्तखत कर दिया कि जमीन आपने मुझे बेची है, इसलिए आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब जाओ यहाँ से, आप लोगों ने जिससे भी कहना है कहो, जो शिकायत करनी हो करो। तब बेचारे गांव वाले दुखी होकर वहाँ से चले गए। बाद में वे सब मिलकर उस जिले के कलेक्टर शेखर के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया और सारे कागज दिखाए। वो सब देखकर शेखर ने गांव वालों को एक सुझाव दी। तब सब गांव वाले वहां से लौट गए। अगले दिन अपने गांव से गुजर रहे रेलगाड़ी को रोका, ड्राइवर को ट्रेन से नीचे उतारा और फिर सबने उस रेलगाड़ी के ऊपर अपना अपना घर बनाना शुरू किया। इस तरह उन्होंने पूरे रेलगाड़ी के ऊपर घर बना लिए। फिर सब उन्हीं घरों में रहने लगे। तब मजबूर होकर ड्राइवर को उन घरों के साथ ही रेलगाड़ी को चलाना पड़ा। जब तब दूसरे लोगों को भी उन घरों में रहने का मौका देने लगे। इस तरह लोग बिना टिकट के उस ट्रेन में सफर करने लगे। जब जित्तू को इसके बारे में पता चला, वो गुस्से में आकर उस जिले के कलेक्टर शेखर को लेकर अपने साथ गांव वालों से जा मिला। वो रेलगाड़ी के पास जाकर गांव वालों को रेल के ऊपर रहते हुए देख जित्तू, देखा सर ये किस हद तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही लोगों के वजह से अपना देश तरक्की नहीं कर रहा है सर। आप तुरंत इन लोगों को उस पटरी से खींच कर नीचे उतारिए सर। ये बात सुनकर बद्री अपने हाथ में रखे कागज को लेकर नीचे उतरा और कलेक्टर को दिखाया। तब कलेक्टर, ये क्या जित्तू जी, आपने इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक आप इन लोगों को हर्जाना ना दें तब तक ये रेलगाड़ी इनकी है। इतना ही नहीं, आपने तो इसमें ये भी लिखा है कि अगर हर्जाना देने में देरी हो जाए तो हर महीने 5 रुपए ब्याज के हिसाब से देंगे आप। ये क्या, आप 5 रुपए ब्याज के लिए मान कैसे गए? तब जित्तू, ये तो बेईमानी है, मैंने कोई कागज पत्र नहीं लिख के दिया इन लोगों को। तब कलेक्टर, अरे जित्तू जी कमाल करते हैं, अगर आप ऐसे नकली कागजात तैयार कर सकते हैं कि इन्होंने इनकी संपत्ति आपको बेच डाली, तो क्या ये लोग नकली कागज तैयार नहीं कर सकते? तब जित्तू, ये तो धोखा है, कलेक्टर होते हुए आप इनकी तरफदारी करते हैं। तब शेखर, अरे जित्तू जी जल्दी ना कीजिए, आराम से, आपने जो जो हेरा फेरियां की हैं उसके बारे में मैंने विस्तार रूप से मुख्यमंत्री जी को खत लिखा है। कुछ ही
दिनों में पूछताछ शुरू होने वाली है। तुम्हारा जेल जाना एकदम निश्चित है। तब जीतू, नहीं सर, ऐसा ना कीजिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब गाँव वालों के लिए घर बना कर दूंगा और उन्हें हरजाना भी दूंगा, प्लीज सर। कहकर प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। यूं थोड़े दिन बाद जीतू ने गांव वालों को पैसे दिए, फिर उन सब के लिए उसने अच्छे घर बनाए और उन्हें दिया। गांव वालों ने कलेक्टर को धन्यवाद कहा, लेकिन जीतू ने उस रेलगाड़ी के ऊपर बने हुए घरों को तोड़ा नहीं। ये देखकर कि यात्री उन घरों में रहना पसंद करते हैं, उसने उस रेलगाड़ी को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया और वो ट्रेन यहाँ वहाँ घूमते हुए खूब पैसे कमाने लगी।